पुणे येथील समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड कंपनीने फसवणूक केलेल्या हजारो पीडित गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळावे यासाठी करण्यात येत असलेल्या कायदेशीर कारवाईची माहिती देण्यासाठी प्रोग्रेसिव्ह वेलफेअर असोसिएशनतर्फे पुणे येथे सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मोठ्या संख्येने बुडीत खातेदार उपस्थित होते. राज्य शासनाने 2 ऑगस्ट 2018 रोजी अधिसूचना काढून समृद्ध जीवनच्या 137 स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या असून 875 खाते गोठवलेले आहेत आणि 51 वाहनेही जप्त केली आहेत. ही सर्व मालमत्ता विकून तसेच 875 खात्यांवरील रक्कम एकत्र करून गुंतवणूकदारांना त्याची बुडालेली रक्कम निश्चितपणे परत मिळेल असे प्रतिपादन प्रोग्रेसिव्ह वेलफेअर असोसिएशनच्या माध्यमातून लाखो गुंतवणूकदारांसाठी कायदेशीर लढाई लढणारे उच्च न्यायालयाचे वकील तसेच विधानसभेतील पक्ष आमदार आघाडीचे सचिव प्रवीण ठेंबेकर यांनी पुणे येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल येथे आयोजित समृद्ध जीवनाच्या सभेत बोलताना केले. चाहे महाराष्ट्र का जम्मू काश्मीर का या कर्नाटक का हो, हर एक को रास्ता दिखाने के लिए आज आप लड़ कर यहाँ तक पहुंचे. लड़ाई आपस में नहीं है, लड़ाई हमको एक दूसरे से नहीं करना है. लड़ाई इस बात की भी नहीं है कि किसने क्या किया, लड़ाई इस बात की नहीं है. लड़ाई इस बात की कि कस्टमर का पैसा मिलना चाहिए. 3 साल पहले भी हमने बोला था कि एक साथ आएंगे करेंगे, चलो अभी नहीं, लेकिन आज हम इस मंच पे से बोलते अभी तो एक साथ आ जाओ. अब वो वक्त आ गया कि सबको पैसा दे सके हम. ये करने के लिए जैसे आर्मी में लोग अपना बलिदान देते हैं, वैसे यहाँ पे जितने एसोसिएशन के लोग, इन्होंने बहुत सा बलिदान दिया, समय दिया है, पैसा दिया है, बहुत कुछ खर्चा हुआ है. इसके बारे में बोलना चाहो तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जो बलिदान दिया है उसकी वजह से आज का ये दिन आया है. आज ये ओपन मीटिंग होने जा रहा है. बहुत लोग मेरे को ये पूछते हैं कि क्या सच में पैसा मिलेगा, सच में ये पैसे देंगे टेम्पेकर सर, सच में पैसे देंगे. मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है,